अस्सलामुअलैकुम, आज हम इस सर्दी में विजिट करेंगे मेरी यूनिवर्सिटी को, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख्वाबे लीगोंग थाशुई। वेलकम आप सबको। आज मैं यूनिवर्सिटी का विजिट करेंगे। सब स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर अपनी यूनिवर्सिटी दिखाएं। बाहर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है आजकल यहाँ पे, तो फिर भी जो है जो मैक्सिमम चीज़ें इंशाल्लाह हम आज उसको कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेडिसिन और इंजीनियरिंग दोनों के स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों आते हैं, मेडिकल के भी और इंजीनियरिंग के भी। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी लाइब्रेरी वाली तरफ, फिर आपको अपनी लैब्स दिखाऊंगा, फिर क्लासेस भी दिखा दूंगा आपको, और मुस्लिम कैंटीन्स ईच एंड एवरीथिंग, हॉस्टल डॉर्म्स वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा क्योंकि एडमिशन ओपन है। सब स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर हमें एक दफ़ा यूनिवर्सिटी का विजिट करा दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि चाइना की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास सबको एक एक करके कवर करेंगे। ज़रा बोलने मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट अब सूरज निकल रहा है तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, तो चलते हैं। आईसी बिल्डिंग, आईसी बिल्डिंग मींस के इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज। जब भी स्टूडेंट्स इधर आते हैं, चार से पाँच साल पहले जब हम आए थे, सब स्टूडेंट्स को सबसे पहले इधर लेके आया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जब भी स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले इधर आते हैं, इधर आके आपने फ़ी पे करनी होती है। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद आपके हॉस्टल की अलॉटमेंट और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इधर आते हैं, इधर आके आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन मीन्स के अपना पासपोर्ट और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपने इधर आके यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है। यूनिवर्सिटी आपको रजिस्टर करती है, आपने फ़ी पे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग होती है, और उसके बाद आपको अपने हॉस्टल में शिफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो यूनिवर्सिटी आके होता है वो यहाँ पे आई सी में यूनिवर्सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए जाते हैं, मैं आपको ज़रा ओवरव्यू करा देता हूँ कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाती है वो फोर्थ फ्लोर पे है। इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो फोर्थ फ्लोर पे होती हैं, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे आपके जो एकेडमिक डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं, आपके जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है, एडमिशन डिपार्टमेंट ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे होती है। ये सामने जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आप देख रहे हैं, ये सारी हमारी क्लासेस की बिल्डिंग्स होती हैं। और ये देख लें स्नो वगैरह, जो मेन रास्ते होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो मेन रोड्स हैं जहाँ पे डेली स्टूडेंट्स का आना जाना होता है, टीचर्स का आना जाना होता है, उनको डेली बेसिस पे जो स्नो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्लीन करते हैं। बट जो कुछ रास्ते जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे पिछला पूरा वीक स्नो थी, तो स्नो वगैरह क्लीन नहीं की जाती है। और टेम्परेचर -15 है यहाँ पे। ये हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो है कैनाल व्यू है, मीन्स के नहर है, ये यहाँ से गुजर रही है, और आप देख लें कि पानी भी यहाँ से बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। उन्हीं भागे में क्यों, ये सारा आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये स्नोफॉल नहीं है, एक्चुअली ये कैनाल व्यू है, यहाँ पे नहर है और ये सारा पानी फ्रीज हो गया हुआ है। यहाँ पे इस टाइम -15, -17, -15, -17 डेली बेसिस पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है। और ये व्यू है हमारी लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी जो है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी की, जिसके हमारी जो लाइब्रेरी है सबसे बड़ी लाइब्रेरी बीजिंग में है, और सेकेंड लाइब्रेरी यहाँ पर है। ये हमारे प्रोविंस की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। अभी इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर का भी सारा व्यू दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए ये लाइब्रेरी किस तरह की है। यहाँ पे लाइब्रेरी का फ़ायदा ये होता है, मीन्स के जब स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास अगर कोई भी मेडिकल की बुक्स नहीं है तो आप इधर आके स्टडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में स्टडी करनी है, तो लाइब्रेरी का कार्ड यहाँ पर फ्री मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप डेली बेसिस पे लाइब्रेरी आ सकते हैं, और लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुली होती है, सब स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं, और ये सब के लिए टोटली फ्री है, मीन्स के यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। अंदर चलते हैं, अंदर का भी माहौल आपको दिखाते हैं। यह है लाइब्रेरी, इसके अंदर चलेंगे, मैं आप लोगों को लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू करा देता हूँ और इसको हम साइलेंटली कवर करेंगे। यहाँ पे अगर आपने मेडिकल स्टडी करनी है तो आपको 6 फ्लोर तक जाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से 6 फ्लोर तक चलेंगे, लिफ्ट लेंगे और 6 फ्लोर पे चलेंगे।
यह है मुस्लिम कैंटीन। हमारे डॉर्मेटरीज के अंदर किचन वगैरह भी होते हैं, स्टूडेंट्स खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट कुकिंग नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि उसे प्रिपेयर्ड फूड मिले, तो यहाँ पे मुस्लिम कैंटीन भी होते हैं। यहाँ पे आके आप खाना वगैरह खा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो फ्लोर है वो थर्ड फ्लोर है, हम चलते हैं ऊपर। कैंटीन का थर्ड फ्लोर है और ये सारा मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे जितना भी फूड है वो सारा हलाल है, चिकन, बीफ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हलाल फूड है। ये है स्पेशली जो इंटरनेशनल मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सारे यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। किचन वगैरह डॉर्मेटरीज में अवेलेबल है, अगर किसी ने खाना पकाना है तो वो पका सकते हैं। बट अगर कोई खाना खुद नहीं बनाना चाहता या क्लासेस की वजह से कभी कभार आप लेट हो जाते हैं, तो यहाँ मुस्लिम कैंटीन है, आप इधर आके खा सकते हैं। यहाँ पे राइस नूडल्स, बर्गर्स, चिकन पीसेस, पराठे, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बिल्कुल मुस्लिम स्टाइल का खाना यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इवन के जो यहाँ के शेफ्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। आप ये देखिए, बाजिस्तान, ये जितने भी यहाँ के शेफ्स हैं ये सारे मुस्लिम स्टाफ है। ये खाना पकाने वाले भी मुस्लिम हैं और खाना खाने वाले भी मुस्लिम हैं। तो ये चाइनीज़ मुस्लिम हैं, यहाँ पे जो खाना पकाते हैं वो चाइनीज़ मुस्लिम हैं। और इनको हमने काफ़ी सारी चीज़ें खुद सिखाई हैं, यूट्यूब से इनको वीडियोज़ दिखाते हैं, फिर ये हमें उस तरह की चीज़ें भी बना के दे देते हैं। तो ये थी हमारी मुस्लिम कैंटीन जिसका आपको ओवरव्यू कराना था। तो मैंने कोशिश की है कि जितना इसको कवर अप कर सकूं, जितनी चीज़ें आपको दिखा सकूं। और अब टाइम बहुत शॉर्ट है तो मुझे भी ज़रा काम है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। मैंने कोशिश की है मुस्लिम फूड, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाई है। इंशाल्लाह हम इस तरह डेली बेसिस पे अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको कवर अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।